Hello students, now we are going to start a new chapter, magnetic effect of current. So what is magnetic field? Magnetic field is something, a space around a conductor in which current is moving, or we can say a space around a magnet. So the concept of magnetic field was given by the Oersted. So he did an experiment. In his experiment, he gave us a conclusion that when a wire carrying current is held perpendicular to the plane of paper or out of the plane of paper, that is कि अगर एक वायर है उसमें करंट जा रहा है, अगर आप उसको परपेंडिकुलर डाउन अपवर्ड करते हो या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड करते हो, अ कंपास नीडल सराउंड द वायर शोज अ डिफ्लेक्शन, और उसके पास उस वायर से टच करते हुए अगर आप एक कंपास रखते हो तो वो कंपास में एक डिफ्लेक्शन शो होती है. अब वो कंपास में जो डिफ्लेक्शन शो होती है उसकी डायरेक्शन भी है कि वो कब राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगी और कब वो लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट करेगी. सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज व्हेन द करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सी नॉर्थ साउथ, if the pointed of the pen is north and the bottom is south, so when the current is moving from south to north, the compass needle will deflect towards the north. It will deflect towards when the compass needle north ki taraf padi hai, then it will deflect towards the west. यही चीज़ अगर हम अपने राइट हैंड स्क्रू रूल में भी लगाएं कि अगर आपका जो करंट है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड जा रहा है तो आपकी जो कंपास नीडल है ये साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो आपकी जो कंपास नीडल है वो नॉर्थ से हल्का सा वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट. सो वट इज़ अ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. अगर एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई हो रही है और एक चार्ज को मूव करना है, राइट, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी. ऑब्वियसली अगर एक फील्ड प्रेजेंट है तो चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए उसके ऊपर फोर्स तो कुछ ना कुछ लगेगी. अब ये चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है मीन्स मूविंग चार्ज के कारण क्या आ रहा है, करंट, और करंट के कारण आ रही है मैग्नेटिक फील्ड. For example, there is a positive charge Q moving in the uniform field B with a velocity V. V velocity से ये move कर रहा है, magnetic field के साथ इसने angle maintain किया है theta. So V को हम दो component में resolve कर देंगे, V cos theta and V sin theta. अब क्योंकि जब आप कोई चीज़ उसके parallel जा रही है तो कोई effect नहीं आएगा, अगर charge उसके along चला जा रहा है तो कोई effect नहीं आएगा. Effect कब आएगा, जब वो उसके परपेंडिकुलर जाएगा या फिर किसी एंगल पे जाएगा. तो मैक्सिमम कब आएगा, जब वो परपेंडिकुलर जाएगा. तो डैट मीन्स अगर हम कंपोनेंट निकालना चाहते हैं कि कितनी फोर्स है तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, डैट इज़ वी साइन थीटा. अब इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर वन कि वो चार्ज कितना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर टू कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, नंबर थ्री कि जहाँ पे वो मूव कर रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है. सो व्हेन वी कंक्लूड दीज थ्री वेक्टर्स वी गेट दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा. सो व्हेन वी रीअरेंज इट, व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, वी गेट द के विद द वैल्यू ऑफ के इज वन, और जब हमने इसको अरेंज किया क्यू वी बी साइन थीटा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, वी और बी के बीच में कितना एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है, राइट. वी और बी के बीच में कितना एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है. डैट मीन्स इन द वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू क्यू मैग्नीट्यूड वी क्रॉस बी. दिस इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स. लॉरेंट फोर्स होती है कि एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है जब वो मूव कर रहा है, और ये क्योंकि हम सिर्फ मैग्नेटिक वाला फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, सो इट इज़ लॉरेंट्स फोर्स ऑफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. और जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था दैट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एफ फिजिकल टू क्यू ई, तो वो लॉरेंट फोर्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थी, ये लॉरेंट फोर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण है. अब बात आ गई डायरेक्शन की, कि फोर्स जो लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी. सी हमने जो करना है वो V क्रॉस B करना है. तो फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट डायग्राम में A में आपका V क्रॉस B
वी आपका डाउनवर्ड है, तो मीन्स आपका जो बन रहा है वो आपका, अगर आप राइट हैंड रूल लगाओ तो वी क्रॉस बी, वी से बी की तरफ आप जा रहे हो, तो सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज वी क्रॉस बी, तो आपका ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो फोर्स कहाँ आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, सो द फोर्स विल बी अपवर्ड, राइट। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव, लेकिन अगर चार्ज ही नेगेटिव हो जाए तो क्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू, और जैसा कि हमने प्लस वन में भी किया है कि नेगेटिव साइन से हमारी जो है डायरेक्शन वो ऑपोजिट हो जाती है, तो अगर हम इसमें नेगेटिव साइन कर देंगे तो वो हमारी डायरेक्शन अपवर्ड से क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड्स हो जाएगी, राइट। नो देयर आर सम स्पेशल केसेस, अभी हमने फॉर्मूला तो कर लिया है डेट एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, राइट। अब थीटा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है। अब 0 डिग्री का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ये 0 डिग्री मीन्स जो आपका चार्ज है वो फील्ड के अलोंग ही मूव कर रहा है, डेट मीन्स 0 डिग्री, या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा 0, या फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 180 डिग्री। तो साइन 0 और साइन 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास रहती है 0, सो देयर विल बी नो फोर्स। तो मीन्स अगर एक चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, राइट। इफ़ द वेलोसिटी 0, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, वहीं पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कोई, चार्ज मूव नहीं कर रहा है डेट मीन्स वो सिर्फ एक स्टैटिक है, वो करंट नहीं बन रहा है, तो करंट ना बनने के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्टिंग है वो उसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगाएगी। तो इन दैट केस ओनली आपके पास फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। सो एफ इज इक्वल टू 0 इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग। थर्ड इज व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री, सी व्हेन द चार्ज इज एट द 90 डिग्री, सो डैट मीन्स कंप्लीट वो उसके परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज जस्ट अलोंग कि एक हवा चल रही है बहुत तेज और आप उसके परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा आपको फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी। सो फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। नाउ द यूनिट्स ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, और वी कैन से वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर इज द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। सो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो 1 टेस्ला आपके पास क्या होगा, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स 1 कूलम ऑफ चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड एंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। सो डायमेंशन फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम द फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। थीटा इज डायमेंशन लेस, सो एफ अपॉन क्यू वी यू कैन गेट द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द नेक्स्ट इज बायो सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय 2 लॉस, फर्स्ट वन इज बायो सेवर्ट एंड सेकेंड इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो फर्स्ट वन इज बायो सेवर्ट लॉ, दिस इज ऑल्सो नोन एज लैपलेस लॉ। सो इट डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट। सो दिस लॉ इज यूज फॉर द स्मॉल करंट एलिमेंट्स। सो सी हाउ द लॉ इज, दिस इज ए वायर कैरिंग करंट, सो वी विल बी कंसिडरिंग ए स्मॉल एलिमेंट बिकॉज द लॉ इज एप्लीकेबल टू द स्मॉल एलिमेंट। सो दिस इज ए वायर, लेट इट द वायर हैविंग द डायमेंशन एक्स वाई वायर हैविंग करंट आई, द स्मॉल सेगमेंट ए बी हैविंग द लेंथ डी एल। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी विच इज एट अ पोजिशन वैक्टर आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट, राइट, एंड द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, अब ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज हमने एलिमेंट भी क्या लिया है, बहुत स्मॉल लिया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कितना उसमें से करंट जा रहा है उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकेंड, आपने कितना उसका सेगमेंट लिया है उस पर डिपेंड करेगी, जितनी ज़्यादा सेगमेंट होगा उतना ज़्यादा करंट ज़्यादा होगा, राइट। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल सेगमेंट एलिमेंट डी एल, एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पॉइंट पी, सो डैट मीन्स द एंगल बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट एंड द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑल्सो द पॉइंट लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट। सो
जितना वो दूर जाता जाएगा उतनी ही फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. डैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ओबिंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सो टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट वी कंसिडर अ कॉन्स्टेंट के. सो के दिस इज सेम जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट के, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के. सो दैट वैल्यू ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ के इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. देयर द वैल्यू ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वॉज 1/4 pi epsilon naught. हेयर द वैल्यू ऑफ द के इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi, वेयर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ी थी एप्साइलन नॉट, डेट इज परमिटिविटी, और यहाँ पे हम वर्ड पढ़ रहे हैं परमेबिलिटी. सो द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 pi, जैसे कि वहाँ पे हमारे पास 1/4 pi एप्साइलन नॉट की वैल्यू थी 9×10⁻¹, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 pi की वैल्यू है 10⁻⁷ इन द एस आई यूनिट. एंड इन द सी जी एस द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 pi इज 1. सो डी बी व्हेन वी राइट द बायो सेवर्ट लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, इट विल बी डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, जस्ट लाइक द कूलम्ब लॉ वी राइट इन द वेक्टर फॉर्म. सो द डायरेक्शन ऑफ द डी बी एज आई अर्लियर टोल्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल. सो देयर आर सम की पॉइंट्स टू नोटिस इन द बायो सेवर्ट लॉ, डेट इज इट वैलिड फॉर द सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस. कोई सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहीं पे डिपेंड वैलिड होगा ये, कोई इरेगुलर होगी तो वहाँ पे बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो. इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द स्मॉल करंट एलिमेंट. आप स्मॉल करंट एलिमेंट का निकाल के उसके बाद उसको लिमिट्स ले सकते हो फ्रॉम फर्स्ट हैंड टू सेकेंड हैंड, लेकिन जो अप्लाई होगा ये सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट्स पे होगा. इट इज़ ऑल्सो एनालॉगस टू द कूलम्स लॉ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया इनवर्स स्क्वायर लॉ है. सो इट इज़ रिजेम्बलेंस टू द कूलम्स लॉ. सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई डी एल एंड आर, जिस प्लेन में डी एल और आर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. जैसा कि वेक्टर में हम करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमारी जिन दोनों की हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर आती है. सो व्हेन द एंगल इज 0 and 180 degree, अब वही चीज़ आ गई कि अगर वो पॉइंट आपका ये पी पॉइंट 0 degree मीन्स लाइन के ऊपर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में है, तो डैट मीन्स ये पॉइंट आपका लाइन के ऊपर आ गया, वो वायर जिसमें करंट कैरी कर रहा है, तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी. डैट मीन्स अगर ये मेरी वायर है, दिस पेन इज माई वायर, और अगर मैं वायर के बाहर देखूँ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है लग रही है, और उसके अंदर जो है उस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मेरी ज़ीरो है. सो व्हेन द थीटा इज 0 डी बी इज मैक्सिमम, वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी व्हेन द एंगल इज 90 degree. दिस इज ऑल अबाउट बायो सेवर्ट लॉ. इन नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ द बायो सेवर्ट लॉ.